भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। ये आरोप भी उन पर किसी छोटे मोटे मामले में नहीं बल्कि शराब घोटाले पर लगा है। इसी मामले में पहले से तो उनकी मुसीबत बड़ी ही थी कि अब एक और नई मुसीबत उनके सामने आन खड़ी हुई है और उस मुसीबत का नाम है महाठग सुकेश चंद्रशेखर। जी हाँ, वही सुकेश चंद्रशेखर जिनका नाम एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज से जोड़ा जाता है, जो अभी 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में सजा काट रहे हैं। अब यही सुकेश कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ गवाही देंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। दिल्ली के राउत एवेन्यू कोर्ट में सुकेश ने कहा कि मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा, मैं केजरीवाल उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सजा दी जाए। Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kejriwal and his team. Do you have anything against them? All the evidence has been given. 19 मार्च को भी जेल में बंद महाठग सुकेश ने दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी की थी। सुकेश ने कहा था कि अब जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी अपने साथियों की तरह तिहाड़ क्लब के सदस्य बन जाएंगे। बता दें कि ईडी के 9 समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी की टीम गुरुवार को सीएम आवास पहुंची थी। यहां केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ की गई। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। बहरहाल अब देखना ये है कि क्या महाठग सुकेश केजरीवाल की सारी सच्चाई जानता है, क्या सच में अदालत के सामने केजरीवाल बेनकाब हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये केजरीवाल के समर्थकों के साथ साथ उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर होगी। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।